अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बर्जर पेट एक खतरनाक, एक डेंजरस लेवल के ऊपर आकर खड़ा हुआ है, और ये एक लेवल ऐसा भी है जो इसे टर्निंग पॉइंट भी दे सकता है, और उसी के साथ ये लेवल एक ऐसा भी है यहाँ से आपके लिए एक खतरे की घंटी भी शुरू होती है जिसमें बड़ा फ्री फॉल आ सकता है। लेकिन क्या इस फ्री फॉल में बड़े निवेशक इंटरेस्टेड हैं या फिर रिटेल ट्रेडर को एग्जिट कराया जा रहा है? आइए इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बर्जर पेंट में करना क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फंडामेंटल। तो देखिए, इसका रेवेन्यू देखिए, अगर हम फंडामेंटली स्टॉक को देखें तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही है, जिस वजह से रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है, यानी कि कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, तो वो हमें पता चलता है कैश फ्लो से। तो यहाँ पर आप देखिए, कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अच्छा खासा कैश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो अभी तक हमने सारी चीज़ों को जो समझा, हमें ये पता चला बिजनेस एक्सपेंशन हो रही है, यानी कि सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कैश भी जनरेट हो रही है। कर्जे की बात करें ना के बराबर, तो अभी तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यानी कि फंडामेंटली हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझ लेते हैं और बैलेंस शीट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं है, हमें वहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा हो और बैलेंस शीट में कुछ और हो। तो आइए उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमें एक साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा खासा रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्जा आपको पहले ही बता दिया 448 करोड़ का है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग 305 करोड़ की है, उसके कंपैरिजन में आपने पहले ही देख लिया 5000 प्लस करोड़ की, तो इनके पास जो है रिजर्व एंड सरप्लस है। कंपनी ने जो आगे पैसा देना है, जो उधार उठाया हुआ है, आप कह सकते हो 1679 करोड़ का, यानी कि बिजनेस वगैरह ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिया, ये पैसा इन्होंने आगे देना है। अब इसके कंपैरिजन में देख लेते हैं इनके पास क्या आने वाला है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री देखिए 2179 करोड़ की, ट्रेड रिसीवेबल 1302 करोड़ के, कैश एंड इक्विवेलेंट 450 करोड़ का। बैलेंस शीट के हिसाब से भी हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी कैश रिच है। दोस्तों, फंडामेंटली जितनी सारी चीज़ें देखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर होता है इसका ऑनर, अगर हम उसकी होल्डिंग देखें तो भैया बहुत अच्छी होल्डिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, अच्छी खासी होल्डिंग जनरेट है। FIs की बात करें तो FIs ने यहाँ पर थोड़ा सा, ना के बराबर आप कह सकते हो, माल बेचा है, कोई ज़्यादा माल नहीं बेचा है, तो इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। DIs की बात करें तो DIs उल्टा यहाँ पर माल खरीद रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक देखिए माल बेचकर निकल रही है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने देखी, हमने ये देखा कि पब्लिक को इस स्टॉक से एग्जिट करवाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, आगे ही इसमें पब्लिक बड़ी कम थी, पब्लिक और कम हो रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? अब दिक्कत पता चलेगी हमें टेक्निकल बेसिस पे। आइए टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक जब चलता है वो एक ट्रेंड के साथ चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिए अभी ये स्टॉक किस मूव में है। अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वन डे का हम चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा भैया डाउन ट्रेंड में है। वीकली बेसिस पे अगर आप इस समझने की कोशिश करेंगे दिखेगा कंसोलिडेशन बेसिस पे है। बट जिस बेचारे ने 686 पे लिया होगा, 700 पे लिया होगा, उसकी तो वाट लगी पड़ी होगी, तो उसको क्या करना चाहिए? ध्यान से समझना, हर एक स्टॉक का एक कंसोलिडेशन पीरियड होता है, कुछ एक टाइम होता है जब वो नीचे की तरफ ध्यान में रहता है और उसके बाद वो ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है। अगर आप बर्जर पेंट को ध्यान से देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकआउट आया था और इस ब्रेकआउट ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, बट उसके बाद एक फॉल आ रहा है। अभी के बेसिस पे यहाँ पर हमें ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक 444 के नीचे जाने की कोशिश करेगा। जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट पर लिया था उनके SL हंटिंग की कोशिश की जा रही है। हमें इसके अंदर क्या करना है, ध्यान रखिए, हमें पता है फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, हमें पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सबसे पहले जिन्होंने स्टॉक को लिया है वो होल्ड कर सकते हैं बिना डरे हुए, ठीक है? रही बात एवरेज की, देखिए एवरेज वहीं करनी है जहां पे सबसे ज़्यादा डर होगा।
तो इस स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा डर का माहौल पैदा होगा 396 के करीब। ध्यान रखिए 396 के नीचे ही एक बड़ा फ्री फॉल आ सकता है और 396 ही एक ऐसा लेवल होगा यहाँ से ये बड़ी तेज़ी के साथ रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इनकी कोशिश रहेगी सबसे पहले इनके एसएल हंटिंग करने की, यहाँ पे ले जाने पे जब एक बहुत बड़ा खतरा तय होगा यहीं से रिवर्स होगा। आपने देखा डीआईस खरीद रहे हैं, तो डीआईस यहाँ पे भी खरीदा होगा, यहाँ पे भी खरीदा होगा, यहाँ पे भी खरीदा होगा, वो थोड़ा थोड़ा माल को खरीदते जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए इस स्टॉक में अगर आप अपर साइड कहीं एवरेज करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ 499.50 का एक लेवल है, इसके ऊपर निकले सस्टेन करे एक दो हफ्ता डेफिनेटली हमें बाइंग के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा से आपको एक रैली जो है 600 प्लस की देखने को मिलेगी और हो सकता है लाइफ टाइम हाई के लिए भी जाने के लिए रेडी हो जाए। इसी के साथ नीचे की तरफ 396 के लेवल को आपने ध्यान में रखना है, कभी भी इन फ्यूचर अगर ये लेवल आता है और आपने ऊपर की तरफ लिया है और उस टाइम भी अगर फंडामेंटली कंडीशन सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। बीच में कुछ छोटे छोटे लेवल हैं 470, 444, जिनके पास अगर आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, या कोई डिसीजन लेना चाहें तो डेफिनेटली इस लेवल के पास ले सकते हैं। बाकी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे इसने ब्रेकआउट भी दिया था, ये ब्रेकआउट फेल होने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऊपर की तरफ 512, 510 का लेवल मार्क करके रखिए। इसके ऊपर निकलता है तो आप बाइंग करने का सोचिए, नीचे की तरफ एवरेज के लिए 396 282 है, लेकिन ध्यान रखिए 396 के नीचे वन टाइम एग्जिट ज़रूर कर लेना है अगर यहाँ पे दो दिन रेड कैंडल क्लोज करता है। दो दिन रेड कैंडल क्लोज होने के बाद अगर ये दोबारा रिवर्स होकर 396 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, दो तीन दिन ग्रीन कैंडल देता है, तो आप दोबारा री एंट्री भी कर सकते हैं। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल सीखिए हमारी वीडियोस के अंदर, बेसिक वीडियोस के अंदर। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और आने वाले समय में ध्यान रखिए ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। अगर आप इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ से रिवर्सल के बहुत अच्छे चांसेस बनने की कोशिश ये करेगा। इसी के साथ ये भी हो सकता है कि ये नीचे वाली इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने की कोशिश करे जो यहाँ पे दिख भी रही है। तो ध्यान रखना अगर बड़ी तेज़ी के साथ फॉल आया ना तो बड़ी तेज़ी के साथ रिवर्स भी करेगा, क्योंकि जहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ फॉल आता है वहीं पे रिटेल ट्रेडर एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये स्टॉक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर भी है, खतरे वाले लेवल के ऊपर भी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 396, 499.5, क्योंकि यहीं से ऊपर की तरफ निकला तो ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है, ये बात ध्यान रखिए। जिस लेवल पे है यहाँ से भी रिवर्सल कर सकता है, तो इसके अंदर अभी कोई भी डिसीजन लेने का मत सोचिए, वेट करिए किसी रिवर्सल का। रिवर्सल के लिए आप लोग ज़्यादा ना सही, आप 1 वीक का पीरियड इसके अंदर लगा लीजिए और एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए। ट्रेंड लाइन आप इस तरह से बना लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए, आप जोड़िए इसे 26 फरवरी 2024 की वीकली हाई के साथ और नीचे की तरफ आप 6 मई 2024 के साथ जोड़िए। जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट आए डेफिनेटली एक बाइंग बनती है, बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ टारगेट बन जाएगा, शॉर्ट टर्म में 617 का टारगेट आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।